अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर ऑफियत से होंगे। मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 कंटिन्यू था। आज एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 2.5 में भी जो हमारे पास क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई के। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया गया अंडर रूट 180। ठीक है, इस एक्सरसाइज और जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो दोनों जो है वो रूट वाले हैं। तो रूट के जो टॉपिक्स है उसको मैंने जो है कवर करवा दिया है। इसके सिर्फ क्वेश्चन आज जो है सॉल्व करेंगे और जो है वो देखेंगे किस तरह से जो तमाम क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट 180 की वैल्यू दी गई है। तो कोई भी वैल्यू अगर रूट के अंदर मौजूद हो, ठीक है, तो उसको बाहर लाने के लिए यानी रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अच्छी क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे है 180। ठीक है, तो 180 का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 180 हमेशा छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 नाइन जा 18 और 0 ऐसे ही आ गया। फिर 2 फोर जा 8, 9 में से 8 माइनस हुआ 1 बचा, तो 1 उसको कैरी देंगे। 10, 2 फाइव जा 10। ठीक है, उसके बाद ये 3 से हो जाएगा, 3 वन जा 3, 3 फाइव जा 15, उसके बाद 3 फाइव जा 15 और 5 वन जा 5, यह आ गया 180 का एलसीएम। ठीक है, फिर जो भी एलसीएम आता है उसे हम क्या करते हैं, रूट के अंदर मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 180 की जगह पे जो है वो रूट की जो है वो एलसीएम इसके आ जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू यानी दो हो जिनका जो है पेयर बन रहा हो उन्हें हम क्या करते हैं, पेयर बना के रूट से बाहर ले लेते हैं। ये सब जो है वो पिछले लेक्चर में बताया गया। यहाँ पे 2 और 2 का पेयर बन रहा है और 3 और 3 का पेयर बन रहा है, तो इन दोनों का पेयर बनाया और ये जो है वो रूट से बाहर हो जाएंगे। 5 का पेयर नहीं बना तो 5 रूट के अंदर भी रहेगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया और अंडर रूट 5 हो गया। फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 जा 6 अंडर रूट 5, और ये जो है इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आज, आसान क्वेश्चन था। जितने भी रूट के अंदर वैल्यूज दी जाए उनका सिंपल यही करने के एलसीएम लेने और एलसीएम लेके जो है वो उसको जो है वो वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे, जिनका पेयर बन रहा होगा उन्हें जो है वो रूट से बाहर लाएंगे, पेयर नहीं बनेगा तो उसे जो है हम ऐसे ही अंदर छोड़ देंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जाएंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें दिया हुआ अंडर रूट 12 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 12। तो यहाँ पे एक रूल सुन ले कि जब भी रूट्स आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हो, सही है, रूट्स आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हो, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, एक साथ रूट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, इन दोनों रूट को, सही है, इन दोनों रूट की अलग अलग वैल्यूज को मैं क्या करूँगा, एक साथ जो एक रूट में लिख लूंगा, यानी 12 × 12। ठीक है, ये 12 आ गया, ये एक 12 आ गया। ठीक है, अब यहाँ दोबारा से देखें, 12 और 12, सही, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, रूट के अंदर है, इनका पेयर बन जाएगा, इनका पेयर बन गया और जो जो पेयर बनता है वो रूट से बाहर आ जाता है, तो 12 एक ही वैल्यू है तो वो रूट से बाहर आ गई और ये जो है वो इसका आंसर हो गया। अंदर कुछ नहीं बचा तो रूट खत्म हो गया। ठीक है, रूल दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, कोई भी वैल्यू अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, रूट की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है या डिवाइड हो रही है, तो हम उन्हें एक साथ लिख सकते हैं, और सेम ये कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उन्हें ब्रेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया अंडर रूट 16 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 12। ठीक है, दो रूट आपस में अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको हम एक साथ लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको जो है वो एक साथ लिख लेंगे। अच्छा, एक साथ भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी, यानी इसका अलग भी एलसीएम ले सकते हैं और इसका अलग एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, दो तरीका दोनों समझ में आ गया, इसकी वैल्यूज अलग सॉल्व करें, इसकी अलग, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, वरना अभी जो हम लोगों ने रूल जो है पढ़ा क्वेश्चन नंबर 3 में, ये एक साथ लिख सकते हैं, तो इसको एक साथ भी लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग सॉल्व करते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 12। ठीक है, रूट के अंदर वैल्यूज मौजूद है, इनका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेते हैं सबसे पहले 16 का, 16 4 से लेंगे, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, ये 16 का आ गया। फिर 12 का लेंगे, 2 से लेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है,
अब इनको जो है रूट के अंदर लिख लेंगे। 16 कैल्सियम कितना आया, ये आया 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई 12 का कितना आया, ये 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पेयर बन रहा है 4 और 4 का पेयर बन गया, यहाँ 2 और 2 का पेयर बन रहा है, ठीक है। जो पेयर बनेगा उसे बाहर लेंगे, ये वाला 4 बाहर आ गया, ठीक है, ये इंटू आ गया, यहाँ से 2 बाहर आ गया और ये अंडर रूट 3 बच गया, ठीक है। फिर 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 अंडर रूट 3, ये जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है, अंडर रूट 15 ओवर अंडर रूट 5, ठीक है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी रूट अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो या रूट अगर डिवाइड हो रहे हो तो हम उन्हें एक साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दोनों रूट को आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 15 ओवर 5, ठीक है, ये हो गया। फिर 5 वन ज़ा 5, 5 थ्री ज़ा 15, ठीक है। नीचे वाला वन शो नहीं करेंगे, ऊपर बजिया अंडर रूट 3, और रूट 3 का जो है वो हम सॉल्व नहीं करते, ऐसे हम नहीं लेते। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, समझ में आया, आसान था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, 18 ओवर अंडर रूट 8, यानी ऊपर वाले 18 पे रूट नहीं है लेकिन नीचे वाले अंडर रूट जो 18 है उसके ऊपर जो है वो रूट है। तो यहाँ पे ये कंबाइन नहीं होगा, यहाँ पे ये अलग अलग ही रहेगा। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले नीचे वाले 18 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम लेते हैं 18, तो 2 से लेंगे, 2 9 से 18, 3 3 से 9, 3 1 से 3, तो ये नीचे आ जाएगा। ऊपर वाला 18 ऐसे ही रहेगा, 18 ओवर अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, जो यहाँ पे एलसीएम आएगा उसे हम ले लेंगे। अब 3 और 3 का क्या बन रहा है, पेयर, तो इनका हम पेयर बना देंगे और 3 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो ऊपर बच गया 18 और नीचे हो गया 3 रूट से बाहर, 3 अंडर रूट 2, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैल्सियम यहाँ पे कैंसिल भी हो सकता है, तो 3 वन ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो ऊपर कितना बच गया 6 और नीचे क्या बच गया अंडर रूट 2, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, समझ में। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसमें है 3 अंडर रूट 5 प्लस 8 अंडर रूट 5, यहाँ पे जो दो वैल्यूज आपस में ऐड हो रहे हैं, यानी रूट जो है वो प्लस और प्लस हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक रूल समझ लें कि जब रूट के साथ कोई भी वैल्यू हो, भैया रूट के साथ वैल्यू और रूट के साथ वैल्यू, तो प्लस और माइनस होने की उसकी क्या कंडीशन है कि अंडर जो रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर रूट के अंदर जो वैल्यूज है वो सेम है तभी वो प्लस या माइनस होगा, ये दोनों रूल है सही प्लस और माइनस के लिए। और अगर रूट के अंदर वाली वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है, एक जैसी नहीं है, तो ये प्लस और माइनस नहीं होगा। यहाँ पे ये भी अंडर रूट 5 है, ये भी अंडर रूट 5 है, दोनों रूट की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्लस क्या होता है, प्लस बाहर वाली वैल्यू होती है, ठीक है, अंदर वाला 5 चेंज नहीं होगा, अंदर वाला 5 5 ही रहेगा, वो 10 नहीं होगा। बाहर वाली वैल्यूज को हम प्लस या माइनस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों रूट सेम है, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 11, 11 अंडर रूट 5, ठीक है, सिंपल इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है बिल्कुल इसी तरह है, उसमें जो है माइनस दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट सिंपल क्या करेंगे, रूट की वैल्यू चेक करेंगे कि सेम है कि नहीं है, और फिर उससे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, जो क्वेश्चन नहीं करवाया मैंने वो खुद से सॉल्व करिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।